70 साल पुराने इन पत्रों में हिटलर को लेकर किया गया है अजीब खुलासा। पत्रों में हिटलर को लेकर किया गया है अजीब खुलासा। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर एक क्रूर शासक हुआ करता था, जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी थी जो सबको हैरान करती थी। वैसे तो हिटलर को लेकर अब तक कई खुलासे होते रहे हैं, लेकिन इस बार 70 साल पुराने कुछ पत्रों में हिटलर को लेकर अजीब खुलासा किया गया है। अभी हाल ही में जर्मन के एक इतिहासकार ने हिटलर की डाइट और उसके खाने पान को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल इस इतिहासकार को 70 साल पुराने कुछ पत्र हाथ लगे हैं जो हिटलर की स्पेशलिस्ट डायटिशियन और कुक के तौर पर काम कर चुकी महिला ने लिखे थे। इन सभी पत्रों को अभी हाल ही में शोधकर्ता स्टेफन डाइट्रिच दुनिया के सामने लेकर आए हैं। ये बात 1943 की है, जब कंस्टेंस मैंजियरली, जो कि एक प्रोफेशनल कुक और डायटिशियन थी, उस समय उसकी उम्र 23 वर्ष थी और उसने हिटलर की कुक के तौर पर काम करना शुरू किया था। वो 2 साल तक हिटलर के साथ रही। इस दौरान उसने अपनी बहन को कई पत्र लिखे थे। अपनी बहन को लिखे पत्रों में वो हमेशा शिकायत किया करती थी कि स्पेशली ट्रेन्ड रूफर्ट कुक होने के बावजूद भी उसे हिटलर को खुश करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। खाने को लेकर हिटलर की अजीब मांगे और उसके लिए आए दिन कोई ना कोई कठिनाई लेकर आते थे। उसने इन पत्रों में ये भी बताया है कि 1930 के दशक में हिटलर ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। कंस्टेंस मैंजियरली आगे ये भी लिखती है कि हिटलर कभी कभी खाने में अपना नियंत्रण खो बैठता था और देर रात तक मीटिंग्स करते हुए घर के सारे केक खा जाया करता था। मैं हर दिन समय लगाकर काफी सारे केक बनाती हूँ, लेकिन शाम होते ही सभी केक चुटकी में खत्म हो जाते हैं। कंस्टेंस मैंजियरली के 1944 में लिखे अपने खतों में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगी थी, जिसमें वो हिटलर के लिए चीफ डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया करती थी। 30 अप्रैल 1945 को कंस्टेंस मैंजियरली ने हिटलर के लिए आखिरी बार भोजन तैयार किया था, जिसमें उसने आलू और तले हुए अंडे बनाए थे, लेकिन उसे खाने से पहले ही हिटलर की मौत हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी और बर्लिन के जिस बंकर में हिटलर ने आत्महत्या की थी, उसमें उसने आखिरी बार पास्ता और टोमेटो सॉस खाया था। हिटलर की मौत के 2 दिन बाद से कंस्टेंस मैंजियरली का भी पता नहीं चला। बताया जाता है कि उसे रूस की रेड आर्मी के सैनिक पकड़ कर ले गए थे, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला।